तो वेलकम गाइस टू अनदर ब्लॉग। गाइस हम लोग निकल चुके हैं एक और नए रोड ट्रिप पे, और आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक की यार घड़ी है। सुबह सुबह आज मैं हिमालय लेके जा रहा हूँ। आज मैं दुकान नहीं जा रहा, मतलब मैं कहीं और जा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में मैं कहाँ निकल रहा हूँ। बस समी भी मेरा वेट कर रहे हैं, मैं फटाक से पहले दुकान पहुँचूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर वहीं जाके करेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग अपना समी भाई के पास पहुँच चुके हैं। समी भैया देखो आ रहे हैं, बाकी हमारे को बंदे सारे गोली दे के निकल चुके हैं, सबके सब गोली वा आ जाए, कोई नहीं आया कहीं भी। आपने लगता है हम लोग हमारे साथ के बंदे हमारे को मिल पाएंगे, सबके सब गोली दे के निकल जाएंगे। अभी हो गए थे जैसे वहाँ से सब ने जाना है, बाद में जाके सब कैंसिल हो गए थे। गुटका नहीं खाना है, कह रहा हूँ सारे तैयार हो गए थे, बाद में जाके सबने गोली दे दी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लोग अपना क्या कहते हैं किस तरीके से रोड का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, और मेरा माइक नहीं चल रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है, मेरे को थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ेगा, नहीं तो भैया यहाँ ना आवाज़ नहीं जाएगी। मैंने थोड़ी कम आवाज़ कर दी थी, मैं कहा माइक सेट हो जाएगा। उस दिन मैंने ना अभी एक दिन मोटो ब्लॉगिंग करी थी, मैंने माइक की रबड़ निकाल दी थी, फिर तो मैंने कहा इसको अगर चेक करता हूँ कि आवाज़ क्यों सही से आती नहीं है। उस चक्कर में ना तार थोड़ी सी ना टूट गई यार, नहीं तो अपना ना बच गया कुत्ता। एक माइक अब मैं ना लूँगा खाली वहाँ अपना उधर जाके चांदी चौक कच्चा चाचा चौधरी मार्केट, वहाँ से ना फर्स्ट क्लास का मिल जाएगा बढ़िया सा। ग्रुप था यार 10 बंदों का, सारे आना था, 10 के 10 बंदों को आए, वो कहाँ हैं, सबके सब गायब हो रखे हैं। समी भी हमारे को मैं वो कर रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं कि पीछे खड़ा हुआ क्या वो। अच्छा वहाँ बाइक लगा दूँ, वहाँ आ जाएगा। ओके सामने दो बाइकर खड़ी हुई दिक्कत हो रही है मेरे को, नहीं लगाऊँ। ओके तो गाइस हमारा ग्रुप यहाँ पे आएगा, भैया का कहना है। और यार कितना फाड़ लग रहा है यहाँ से देखने में, अलग ही है तो मज़ा, अलग ही मज़ा है यहाँ से देखने में। बाइक ऐसे खड़ी रहती है ना, कितना सही लगता है देखने में। एक बार एकदम माइक की गाइस देख सकते हैं आप, ये सारी हायाबुसा जा रही है सुजुकी, जितनी की नई नई की नई है, देखना अभी आना स्टार्ट हो चुकी है बाइक के। हाँ सुपर बाइक वाले गाइस आ चुके हैं सारे के सारे, ये देखो सबके सब निकलना शुरू हो चुकी हैं। बैक टू बैक देखो बाइकें आएंगी। आज बड़े दिनों बाद मैं इस तरीके से निकल रहा हूँ, और शायद ये नई वाली भूसा है क्या, नहीं ये दिस इज़ अ ओल्ड वर्जन। तो बैक टू बैक बाइकें आ रही हैं, दिस इज़ अ इंटरसेप्टर, ये आई गाइस कावासाकी Z900 या 800 दोनों में से एक। वो देखो एक और बैक टू बैक, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो गए ना, तो आपको ना लाइन से सिर्फ बाइकें ही बाइकें नज़र आएंगी और कुछ नहीं आएगा, बात समझ रहे हो। मतलब सब सिर्फ आपको आपकी पलक नहीं छपेगी उससे पहले एक बाइक आ जाएगी। अब यहाँ पे 7 बजे तक यही फंडा रहता है पूरा का पूरा कि बाइकें ही बाइकें दिखेंगी। और BMW का स्टिकर लगा रखा है 310 पे पैंचो। ये लोग आई बाइकों का ग्रुप आ गया पूरा, ये देखो ये आई हार्ली, आई द हार्ली, ये देखो ये सारी की सारी नई वाली भूसा चल रही है। देखो ये जो चल रही है सुप्रीत पाजी की चल रही है, देखो नई वाली भूसा है। और देखो सारा पूरा ग्रुप आ चुका है बढ़िया फर्स्ट क्लास, देखो सब के सब सुपर बाइकें हैं जितनी की जितनी हैं। हमारे पास भी कभी आएगी, हम भी कभी लेंगे, शमी भी ऐसे लेने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि मैं शादी में दहेज में ले लूँगा सुपर बाइक। बाकी इनकी वैसे टोरा है और कुछ नहीं है, बाकी अभी इनको हम बोल देंगे अभी क्या कहते हैं अगर 70-80 किलोमीटर तक पहाड़ों पर चढ़ाएं तो इनकी फट जाएगी, फिर हमारी हिमालय जाएगी कूदते हुए स्पीति वाले रोड पे। गाइस इंट्रूडर को देखो कितने मजे से जा रही है। चलो अब हम निकलने की तैयारी हमारी, अब चलते हैं यहाँ से आगे। और देखो गाइस और बाइक आ गई Z900, ये देखो भूसा भूसा है पुरानी वाली, मस्त लग रही है। ओए 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 ये आई पैसा BMW S1000 RR। वाह गाइस वन मोर, ये आ गई निंजा BMW की है, तो मतलब बैक टू बैक बाइक ही बाइक हैं। शमी भी तैयार हो गए हैं, इनको रास्ता पता कहाँ जाना है मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। एक हिमालयन हमें भी गिफ्ट कर दो, हम भी ऐसे चलेंगे तुम्हारे तो। हिमालयन मेरे पास ना सोच रहा हूँ हिमालयन को मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा, गिफ्ट की बात कर रहे हो। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अब अपना एक और नई राह, एक और नई मंजिल पे, यहीं से जा रहे थे हम लोग अपना। बहुत सारी जगह बहुत सारे बाइकर्स यहाँ के सुबह खड़े होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये ट्रक वाले मेरे को अपना दबाते हुए अंदर इसने इंडिकेटर दे दिया कि भाई यहीं साइड में रुकेंगे। इनका नानी का घर है यहाँ पे ट्रक वालों का, इनकी नानी का खाला का घर है सॉरी इनकी ट्रक वालों का, तो यहीं रुकेंगे। अब हम चल रहे हैं, काफ़ी हमारे बंदे आए नहीं, जो है ना जो गोलीबाज होते हैं जो बंदे, तो पहले राइड बनाएंगे फिर उसके बाद से गायब हो जाते हैं, राइड पे आना ही नहीं है उनको। तो ऐसे भी बहुत सारे बंदे हैं
वो जो एक मीम बनता है ना कि बहुत सारे बंदे पहले राइड बनाते हैं फिर एंड वक्त पे एक दिन पहले और गोली जाते हैं फिर सुबह सुबह अकेला बसता है, तो वो चीज़ ना फैक्ट में सच है, झूठ नहीं है। अब क्या है, अब फिलहाल ये है तभी वगैरह मन्नत से बढ़िया मैं तुम्हारे को जगह लेके चलता हूँ, GFR साइड में कोई नया कह रहे हैं रेस्टोरेंट खुला है वहाँ चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलते हैं देखी जाएगी, क्योंकि मैं कभी उस साइड पर गया नहीं। मैं एक बार गया था 2017 में, मेरे को जगह पसंद नहीं है वहाँ ना, बंदे बहुत ज़्यादा ओवर चेसिंग करते हैं। तो शमी भी अब आगे हमारे को गाइड कर रहे हैं, अरे यार मैं गलत आ गया क्या, वो लोग तो यार अरे कहाँ चले गए वो लोग, अरे यार इन्हें पता होता है नहीं, इन्हें पता है नहीं यहाँ जो कहाँ चले गए ये लोग। यार ये लो रास्ता ये मैप में देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इस साइड मुड़ना है, आगे से रास्ता थोड़ी यहीं से तो रास्ता है। अरे DLF के लिए तो यहाँ से रास्ता है ना शमी भैया, हाँ यहाँ से रास्ता है ना, आगे से है पक्का, रुको मैं मोड़ के लाता हूँ। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शमी भैया हमारा उल्लू काटने वाले हैं, इनको रास्ता सही इनको खुद नहीं पता, मेरे हिसाब से तो यहीं से रास्ता है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये मुझे ऐसा लग रहा है इनको भी नहीं पता, और ये इनका और मेरा दोनों का फुद्दू कटेगा, ये काटेंगे ज़रूर। चलो कोई नहीं पता चल जाएगा, अभी हमारे बहुत सारे मित्र हमारा साथ छोड़ के निकल गए हैं, चलो कोई नहीं चलते हैं गाइस। थोड़ा आवाज़ की दिक्कत है, मेंशन करने मत करना, निकलते हैं गाइस। पता नहीं यार शमी भैया कहाँ कहाँ से लेके जा रहे हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बस जहाँ से बता रहे हैं वहाँ से मैं चल रहा हूँ, कहाँ बता रहे हैं सीधा चलना है ना, बस ठीक है। हाँ मेरे को पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, क्या ली खबर रूट पक्का गाइस, ये क्या है इसको ठीक कराओ, इसे इसे ठीक कराओ, बहुत गलत चीज़ है गाइस इनकी। अच्छा गाइस इनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, क्या इनकी रेस अटक रही है, तो मैंने बताया इनको डोमिनार वाली दिक्कत है, ज़्यादा की गाड़ी में दिखा 400 में, सेम वही समस्या है इनके में भी कि वही डोमिनार वाली दिक्कत है। मैंने कहा इसको ठीक कराओ, चलो GFR प्लेट में था कि बारिश होगी, संडे घंटा बारिश हुई यार यहाँ पे, तो साला धूप निकली हुई है, इतनी तेज गर्मी और लग रही है, मेरे को लगा वैसे ठंडा ठंडा मौसम होगा, वैसे मस्त राइड करेंगे चिल वाली ठंडी ठंडी बारिश में भीगते हुए, और यार यहाँ पे तो भाई साहब इतनी गंदी गर्मी है ना इसका कोई जवाब नहीं, और गाइस साइकिलिंग करते हुए बहुत बढ़िया भाई। देखो ये चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगती है यहाँ की, बस ये जो ऐसे स्लोप आया ना देखो, और सामने पूरा एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप पहाड़ों में आ गए हो, वादियों में देख रहे हो, तो यही चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, और यहाँ की एक GFR की बस और कुछ नहीं। अब आपसे आप नीचे ऐसी हूँ पहाड़ों के जाओगे, मतलब हम आ गए मिनी 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 हिमाचल में आ गए हिसाब से कह सकते हैं। अच्छा है, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है फर्स्ट क्लास। फिर हम लोग अपना टोल से शायद वापसी आ जाएंगे, हाँ हमारा यही प्लान फिलहाल प्लान है कि हम लोग टोल तक जाएंगे और टोल से वापसी आएंगे, फिर वहाँ पे शमी बता रहे हैं कोई बढ़िया रेस्टोरेंट खुला नया, वहीं पे अपना रुकेंगे। डिसाइड करो भाई, शमी भी हमारे को उल्लू बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ढाबा था, अभी ढाबा है नहीं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं अपना यहाँ पे उल्लू बनाते हुए हमारे को, ये देखो अभी कोई पता नहीं है कि अपना खुला भी हुआ मिले भी या ना मिले, अभी हम जा तो रहे हैं, अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, कहना बेटे कृष्ण भाई स्कैन कर देना ज़रा, हम तीन बंदे हैं बाकी बंदे सब गोली हो चुके हैं, पता नहीं उनका कोई आएगा भी नहीं आएगा, अरे नेट ऑफ होगा देखने के बार चल रहा है नेट ऑन है, हाँ बस नेट ऑफ था इसलिए। सो गाइस देखो मैंने अभी डलवा लिया है, टैंक फुल करा लिया पूरा, मैंने 400 रुपये का तेल डलवाया मैंने अभी, मेरे में पहले से तेल बहुत रखा होता इसमें, इसलिए मैंने ज़्यादा डलवाया नहीं, और ये देखो बाइक के सुपर बाइक के निकलते वो बस
ये हाईवे मेरे को रत्ती भर पसंद नहीं है यार। दिखा लाओ किशन भाई, मैं करता हूँ एक बार दिखाना। हाँ आप चालू करके आप एक बार करो, क्या पता हो जाए। शमी भी अभी भी हमारा सी काटते हुए, कुत्ते लड़ते हुए। ओके ओके ओके, नो पोस्टपेड, गुड 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 गुड। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग वापसी अपना क्या कहते हैं ढाबे तक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ खाने को मिला नहीं। शमी भी ना फिर हमारा उल्लू काट दिया है तगड़ा वाला, यानी कहा कुछ ना कुछ खुला होगा। मैंने कहा था कि सीधा मन्नत चलना है, क्या मेरे को पता है GFR में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। और कितनी बार मैं एक ही बार गया था, मैं उतने में समझ गया था कि यहाँ पे बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है, इस जगह आना और टाइम भी वेस्ट करना है। यहाँ से एक होटल छोटल के अलावा ना और कुछ नहीं, यहाँ पे वो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। इतना लंबा टाइम लगा दो, नंबर वेटिंग में लगाओ तब जाके तो कुछ मिलता है, वो भी इतना कॉस्टली है और प्राइस के हिसाब से सही नहीं है। फिर मैंने सीधा बोला मैं ढाबे चलते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ढाबा, और ढाबे से बढ़िया कुछ नहीं है। और ढाबे चलते हैं, ढाबे से आराम से साग से खा के मारेंगे, सबसे बढ़िया है ना भाई। ढाबे चलते हैं, ढाबे से सीधा सबसे बढ़िया जुगाड़ है अपना पुराना अड्डा, वही ढाबा ढाबे। गाइस फाइनली हम लोग ढाबा पहुंच चुके हैं, ऐसा जस्ट राइट लेते थोड़ा गए और एक लेफ्ट लेते सीधा ढाबा है। शमी भैया के चक्कर में इन्होंने गोली दे दी वहाँ पे, कह रहे खाने को मिलेगा, लेकिन तभी भी लंबी राइड करनी थी, हो गई। अरे लेकिन ना जो वापसी आया ना तो कोई बंद था, वो बंद था लेकिन यह कि जो अभी आया ना पूरा खींचते हुए आया, सही आ गया। 50 किलोमीटर तो हम चलाई थी, पचास से ज़्यादा चलाइए, वैसे हमने देखा जाए तो पचास से कम नहीं, 50 से बैटरियाँ चार्ज हो गई, चालू हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा हाँ बैटरी कल चेंज कराई ना आपने, इसलिए ये निकल रहे हैं परसों, ये परसों लद्दाख निकल जाएंगे मुंबई का निखिल के साथ। वो जा रहा है ना, उसने बोल दिया अब मुंबई का निखिल, उसने कल स्टेटस लगाया जैसे हिमाचल 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 की जैसे न्यूज़ आई ना, उसने लिख दिया, कह दिया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो पक्का जाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है अपनी ऑडी भी लेके जाएगा इस बार, वो ऑडी बैकअप में रखेगा, वो ऑडी बैकअप में रखेगा। हाँ वही तो। फाइनली हम लोग ढाबा पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आती ना जो टेम्परेचर है ना वो अपने आप ना समझ लो 4-5 डिग्री जो कम हो जाता है। सर्दियों में जब हम आते थे ना तो जैसे ही यहाँ घुसते थे ना इस वाली रोड पे घुसते ही भाई साहब हाथ उस सब सुन्न हो जाते थे, मतलब इतने ठंडे चिल्ड की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई बाइक का हैंडल या ब्रेक दब जाए। मतलब यहाँ आती इतना ठंडक पैन महसूस होती है, और सबसे बढ़िया जगह लगती है मेरे को ये वाली। सुबह आओ अपना आराम से संडे के टाइम में भाई साहब, रिलैक्स करो ढाबे अपना चिल करो। हमारी बाइक जो चलनी थी हमने चला लिया, वार्म अप कर लिया बाइक को पूरा अच्छे से, सर्विस कराना है बाइक को मैंने टच्चा, और उसके बाद कोई ट्रिप बनेगा तब देखी जाएगी, नहीं तो अभी वृंदावन तक तो चली जाएगी। ओहो हस्की, और यहाँ पे अपना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, अरे ये कुछ नया बनाया क्या, ये मैं आज ही देख रहा हूँ कुछ है यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कुछ है, या फिर अपना उसका ACP का है घर है यहाँ पे, ये रहा पुलिस स्टेशन। अच्छा किशनगढ़ है ये पुलिस स्टेशन, भाई कितनी सारी चिट्ठियाँ खड़ी हैं यार यहाँ तो। लो गाइस हमारे फॉलोअर, हमारे सब्सक्राइबर हमारा वेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बताना नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, है ना, मतलब बताना नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। हमारा नहीं बोलेगा सर, थोड़ी किशन भाई बाइक साइड में लगाओ, मतलब वहाँ आगे तक गए थे बुला हुआ है वहाँ पे भीड़ है, अब यहीं बैठेंगे कोई नहीं, यहीं बैठते हैं भैया, पीछे लगा देता हूँ। देख लो बताया नहीं है कि बैंक से हम भी आ रहे हैं, सुबह 6 बजे और भी बहुत सारे व्लॉगों में उन्हें अश्लीलता दिखाई थी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, हाँ और बाकी हमारे पुराने गैंग यू नो दैट दिस 2 पर्सन ये पुराने बंदे हैं। हाँ इन सबको पूल पार्टी में लेके जाएंगे, नहीं पूल चालू हो चुके हैं जैसे गुड़गांव में कई कई जगह रिसॉर्ट्स बंदे गए थे, अलवर में भी था वो सियारा मोरा ना वहाँ के अपना पीठ स्तर, लोग अभी गए थे सारे मोनू और सारे वो घूम के आए थे वहाँ पे सब की सब।
ये बताओ क्या खाना है किशन भाई आपने, जल्दी बताओ। अरे क्या खाना है आपने? ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा है। जल्दी बताओ क्या खाना है? अरे पराठा। आपने चिकन पराठा खाना? तुमने खाना है? और एक चिकन पराठा। चिकन पराठा और नहीं खाना? आलू प्याज भाई तूने? हाँ छमिया। ओ छमिया बस भाई, पक्का ना इसमें लेमन सोडा है? और कुछ तो नहीं है? पनीर गाइस अभी गर्मी बहुत है और शमी भैया पल्पी की थोड़ी नहीं 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 ये पल्पी मौसमी होती है अभी गाइस। शमी भैया पहली बार पल्पी पी रहे हैं इसलिए उन्हें पता नहीं है अभी। हाँ वो देख रहे हैं अभी कैसा क्या माल पानी इसके अंदर घुसा हुआ है। ये देखो अभी हिला रहे हैं अच्छे से। हाँ ऐसे ही आया तो जिम वाले, लेकिन इनसे खुल नहीं रहा ढक्कन, अब खुल गया। और वैसे शादी इनकी होने वाली है ना, मुझे लग रहा है इस साल में शादी हो जाएगी इनकी। हो जाएगी तुरंत पक्का। इनके तो टाइमिंग का तो भाई अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि घर वालों ने कह दिया नहीं कर लेगा वेंचर जब नहीं मिलेगा। पता चलेगा यहाँ पे ना चढ़ जाए ध्यान रखना। इनके घर वालों ने कह तो दिया इस ये लास्ट साल है, अगले साल हम ढूंढ रहे हैं तेरी हर ट्रिप पे इसको लेके जाता है। बात मत पलटो भाई, बात मत पलटो, जो है वो बताओ। वो चश्मा दे। सो गाइस फाइनली हमारे पराठे आ गए। ये बनाया है क्या, ये कौन सा पनीर, ये पनीर और ये पनीर सभी भी आ गए। और वो भी अपना लेमन सोडा सभी पियेंगे अभी, रुक के पियेंगे अभी। आप अपना बनवाओ जब तक हम खा लेंगे, फिर पियेंगे आराम से। अरे वो ले लियो एक बार। मैं भी पराठे सबसे पहले पाटते हैं, आपने देखा है सबसे पहले खाने में ये आ गया, देख रहे हो आपने हर जगह देखा है। सो गाइस अब हम पी रहे हैं रिफ्रेश का लेमन ड्रिंक। शमी भी अभी पी रहे हैं ऑलवेज कॉपी मी। और किशन भाई अभी थोड़ा सा परेशान है, उनको धूप लग रही है बड़ी तेज। कॉपी मी यस मारो। ये लोग अपना क्या कहते हैं गाड़ी लेके आया था तुषार अपनी स्कॉर्पियो की। आप लोगों को जैसे बताया कि मेरी ड्रीम कार है, देखो ये छमियों में सब बैठे हैं, यू नो डैट। ये दो बंदे जो हैं देखो कैसे साथ साथ थे, थोड़ा दूर हो गए। और इसकी डिग्गी आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और ये टॉप मॉडल है S11 का, ये देखो पूरी है, देखो बेस ट्यूब रखी हुई है, बड़ा फर्स्ट क्लास। अगर मैं इस पर लद्दाख और स्पीति जाना चाहें तो आराम से चली जाएगी। सीट थोड़ी सी और पीछे होगी पीछे वाली, और आराम से फर्स्ट क्लास। और बेस्ट आप कर रहे हो कपल्स को। हाँ और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, देखो टायर। और मतलब मैंने जब भी मैंने लाइफ में मतलब गाड़ी लेने, मैंने सोचा हो कि यही वाली गाड़ी लेनी है स्कॉर्पियो। यस यस और मस्त एकदम बिल्कुल। थोड़ी मेरे को जलन मच रही है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है यार, मेरे को जलन हो रही है। हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड मैं आएगा तभी, गाड़ी आएगी तभी तो सब कुछ आएगा। चलो गाइस मैं अपने बाइक पे जाता हूँ, ये लोग अपना निकल रहे हैं। सो गाइस मोड़ लो। हाँ मोड़ लो। हाँ हाँ इधर से लंबा पड़ता है, इधर से पास पड़ेगा। गाइस हमारी स्कॉर्पियो हमारी मोड़ रही है, और अब वो लोग मोड़ रहे हैं। हाँ मोड़ रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया हमारा यहाँ पे, गाड़ी हमारी खासा चलेगी और हम आराम से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ कराते हुए चलेंगे फर्स्ट क्लास। और ये देखो उनका वेट कर लूँ जरा, कहाँ पे रह गए अभी तक आए नहीं अभी ये। और ये छपरी निब्बा और निब्बी ये खड़े हुए सारे के सारे। आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, आ गई, चलो 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 गाड़ी आ गई। गाइस गाड़ी आ गई है, छपरा निब्बी निब्बा निब्बी ये भाई देख रहे हो यार सामने से आती है। मतलब इतनी प्यारी लगती है ना स्कॉर्पियो, जिसका कोई जवाब नहीं, इतनी प्यारी लगती है। मतलब मेरी तो यार ड्रीम कार है यार स्कॉर्पियो की, लेनी है किसी ना किसी दिन, इतनी बढ़िया लगती है सामने से आते हुए यार। लूँगा किसी ना किसी दिन तो मैं, पक्की बात है ये देख लेना, पक्का लूँगा किसी ना किसी दिन मेरे पास ये गाड़ी आएगी स्कॉर्पियो। और ये छपरा छपरी निब्बा निब्बी अपना चलते हैं, मज़ा आएगा फर्स्ट क्लास। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि इतना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। देखते हैं अभी घर पहुँचते तो एकदम बिल्कुल बॉडी ऐसी लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह के उठे हुए हैं तो टाइम लगेगा अपने को थोड़ा सा रिकवर होने में। बाकी किशन भाई मेरे साथ चल रहे हैं और स्कॉर्पियो हमारे पीछे आ रही है, शीशे में आप देख रहे होंगे।
गाइस ये सारे हमारे फॉलोवर हैं जितने भी हैं, सब अपना हाई कर दें, हाय हाय गाइस। ये जितने हैं सारे के सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनको अपना कार्ड दे दिया है। गाइस फाइनली हम लोग अपना आ चुके हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, अब हो रहा है बारिश का मौसम, सुबह होना चाहिए था तो अब हो रहा है, होएगी लग रहा है शाम तक, या नहीं तो हो ही जाएगी है? अगर हवा चली तो शाम तक हो जाएगी बारिश अच्छी खासी। तो बाकी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, बाकी हमारे सारे बंदे पीछे हैं गाड़ी में, आराम से आ रहे हैं, बाइक में खींचते हुए आए मौसम के ऊपर। थोड़ा सा अभी ये है कि धूप निकली नहीं है तो उतनी गर्मी लग नहीं रही है, लेकिन गर्मी है फिलहाल, क्योंकि गाड़ी की जो हीटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी की हीटिंग सबसे ज़्यादा। और बस ये कि घर चलना है आराम से, कल वाला ब्लॉग एडिट करूँगा, दो तीन घंटे लगेंगे उसके बाद फिर वापसी दुकान, अभी नहीं सॉरी पहले भी दुकान जाना होगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग, पहले दुकान पे भी सामान रख के फिर अपना घर निकलूँगा मैं आराम से। फाइनली हम लोग अपना दुकान पे आ चुके हैं वापसी अपने दुकान वाले रोड पर मतलब, और यहाँ पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि बारिश होएगी जिस हिसाब से मौसम बन रखा है। चलो देखते हैं बाकी क्या अपडेट रहता है, आज संडे है, माहौल तो पूरा एकदम चालू है, इधर तो गर्मा गर्मी होगी एकदम ही। शमी भी अपना घर निकलते हुए इधर से मोड़ेंगे और शमी भी सीधा अपने घर निकल जाएंगे, सो बाय बाय शमी भी, शमी ने राइट का इंडिकेटर दे दिया, तो अपना बाय बाय शमी भी, तो सीधा अपना दुकान चलते हैं, फिर दुकान से सीधा घर, क्योंकि मौसम हो गया है एक नंबर। तो इसका मतलब पता है, समझते हो कि राइड अभी भी कंटिन्यू है, कोई पता नहीं अब कभी भी कहाँ भी निकल जाएँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लान कराई है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे चलेंगे कुछ ना कुछ हिसाब से। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और अब सीधा बाइक खड़ी कर लिया, थोड़ा सा मौसम जो है 32 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, बस बाइक जल्दी से जल्दी खड़ी करनी है और अंदर फटाक से एसी में बैठना है। जब भी वहाँ के पराठे खा के आना अजीब सी डकार आती है, पता नहीं क्यों, ये हमेशा मेरे साथ फिक्स है कि अजीब सी डकार आना तो फिक्स है कि आती है, पता नहीं किस वजह से आती है। वेदर अपडेट में इतनी अच्छी बारिश बोली हुई थी कि बारिश होएगी, लेकिन बारिश सत्ती भर नहीं हुई है कि वाह बेटे मौज होगी, देखते हैं अब बारिश होती है नहीं होती, हो जाएगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, काम तो अपना चलेगा ही चलेगा, जब बारिश हो या जब बारिश ना हो काम अपना तब भी चलना ही है पूरा का पूरा। अब हिमालयन बाबा को थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे अच्छा खासा, क्योंकि बहुत दिन से चली नहीं थी, अब जाके आज चली है, तो अब सीधा ही इनको हम एक लंबा छुट्टी पर जाएंगे अभी, और अब सीधा एक लंबी राइड प्लान हुई है आज, तो उस राइड के हिसाब से हम लोग अब आगे प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग बनती है आगे की, कि आगे अब क्या ट्रिप बनाना है, कैसे ट्रिप बनाना है, कहाँ पे चलना है ऐसा, क्योंकि अभी कुछ बंदे आज आए नहीं थे जो ये वीडियो देख रहे हैं, याद सुन लो जिन लोगों ने अली वीडियो देखी है मेरी आज वाली, जो होते हैं ना गोलीबाज, जो लोग राइड बनाते हैं उनके कहने पर हम आते हैं फिर वो एंड टाइम पे गोली दे जाते हैं, तो स्पेशली उन बंदों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा पूरा टूट चुका है उनसे। अब ऐसा हमेशा होता है, मीम जो होते हैं ना सही बनते हैं, कि पहले एक 10 बंदे राइड प्लान करते हैं, फिर राइड से 3 दिन पहले उन 10 में से 7 बंदों को टट्टी लग जाती है या 5 बंदों को, फिर उन बाकी उनमें से जो बंदे बचते हैं फिर उनकी उनके काम ऐसे आ जाते हैं, वो टक जाते हैं, कई सोचते हैं कि वेले हैं इतनी दूर क्या करने जाना, एक पराठा खा के आ जाएंगे, कई बंदे ऐसे भी हैं, तो उनको भी मैं समझा देता हूँ कि आप देख लो जहाँ तक देखना है, जो वीडियो एंड तक देखेंगे उनको पता चल जाएगा मैं किन के बारे में कैसे कैसे क्या क्या बोल रहा था, तो ध्यान से सुन लो गाइस, ध्यान से बाद में मत बोलना, रसिया ब्लॉग की जवानी सच है सारी की सारी। बस मैं सब कुछ सामान वामान सब लेके गया था कि वहाँ पर सही सारे आएंगे अच्छे से इन्जॉयमेंट करेंगे, बहुत टाइम बाद आए तो मिल रहे हैं सब, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं, कोई कुछ नहीं आया, जैसा सोचा था ऐसा हुआ, अगर हो जाता ना आज वाली राइड तो मज़ा आ जाता कसम से, सही बता रहा हूँ आपको मैं, जिस हिसाब से सोचा था अगर उस हिसाब से हो जाता ना प्रोग्राम बन जाता तो मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है,
अभी जैसा नहीं भी आया तभी भी हाँ राइड तो हुई ना। तो सी यू गाइस, मिलते हैं जल्दी से नए नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, सी यू, टाटा, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।